इस वक्त झाझा थाना क्षेत्र के परिसर में मौजूद है। देखिए, बाल विवाह के कई मामले प्रकाश में आते हैं। आज कुछ ऐसा ही मामला एक बाल विवाह से जुड़ा झाझा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां आपको बता दें कि झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत गेंसाडी में एक बच्ची की शादी करवाई जा रही थी और इस बात की सूचना 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कुछ लोगों के द्वारा दिया गया, किसी के भी द्वारा दिया गया हो, लेकिन मामला जब जम्मू ज़िले के चाइल्ड हेल्पलाइन विभाग में पहुंचा, बाल संरक्षण इकाई में पहुंचा, तो वहां एक टीम गठित हुई और टीम झाझा थाना पहुंचकर झाझा थाना की संयुक्त भागीदारी से उक्त परिजनों से संपर्क साधा गया, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा गया और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने एक नाबालिग बच्ची का विवाह होने से रोक लिया। और क्या कुछ बातें हालांकि इस मामले में निकल कर आई है, PSI कुंज बिहारी भी मौजूद रहे, उन्होंने संयुक्त रूप से इस पूरे प्रकरण में भागीदारी निभाई और लोगों को जागरूक भी करने का प्रयास किया गया है। और जिस तरह से शपथ दिलाया गया है उसके परिजनों को, जिस बच्ची का विवाह हुआ था बच्ची के विवाह को रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और जिस तरह से जागरूकता को लेकर एक शपथ दिलाया गया, शपथ में साफ तौर पर उल्लिखित किया गया है कि 18 वर्ष होने के बाद ही अब वो अपनी बच्ची का विवाह कर पाएंगे, क्या कुछ बातें हैं जब उसके अभिभावकों से हमने बातचीत की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बेटी का उम्र कितना हुआ था आपका? बेटी की उम्र तो पूर गया होगा, मोर जैसे राशन कार्ड की थी, आधार कार्ड में कम दिए, आधार कार्ड में कम उम्र था। तो शादी कब करवा रहे थे इसका? आज ही करवा रहे थे। क्या हुआ फिर? कुछ शिकायत कर दिया, बाधा डाल दिया। शिकायत कर दिया, क्या बोला गया यहाँ थाना में? थाना में बोला दिया गया कि 18 साल होगा तब शादी करना। थाना से क्या बोला गया? थाना से फोन किया, बोले लड़की को शादी किया है कि फिर लड़की को बोल शादी किया है तो कल यहाँ बोला आपके नाम किया है तो बता दिए, तो बोले आया ये। तो अब क्या करें, अब शादी मतलब रुकवा दिए ना? शादी नहीं करेंगे, 18 साल पूरेगा तब। चलिए।